नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। जहां देश में लव जिहाद मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रेमी जोड़ों के पास बस एक ही उम्मीद है, वो है कानून की सहायता। लेकिन अगर सरकार चलाने वालों के घर वाले खुद ही मदद मांगे तो? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल की बेटी ने अपने पिता से ही जान को खतरा बताया है। बेटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही पिता से खतरा बताया है। दरअसल 23 साल की साक्षी ने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर दलित युवक से शादी की है। शादी के बाद से ही दोनों काफी डरे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है और चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें, विधायक की बेटी और युवक ने 4 जुलाई को प्रयागराज में स्थित एक प्राचीन मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। शादी के बाद ही दोनों घर से दूर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। वीडियो में दोनों एक कार में बैठे हुए हैं और अपनी आपबीती सुना रहे हैं। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीज़न है, और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। ख्याल रखें, और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है और उनके साथ भी लोग हैं बहुत सारे। काफी लोग थे, काफी लोग। हाँ, हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में, वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का, क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक जी। वहीं साक्षी ने एक और वीडियो शेयर किया है। वीडियो में साक्षी अकेली है और अपने पिता पप्पू भरतोल, भाई विक्की भरतोल और उनके मित्र राजीव राणा को चेतावनी देते हुए नजर आ रही हैं। दूसरे वीडियो में साक्षी अपने पिता से कह रही हैं, मैंने सिंदूर फैशन में नहीं लगा रखा है, मैंने सच में शादी की है, मेरे पति के परिवार को परेशान करना बंद करें, आप राजनीति करें, अपनी सोच बदलें और मुझे आजाद रहने दें। बरेली के सांसद, विधायक और मंत्री जो मेरे पिता का सहयोग कर रहे हैं वो बंद करें। बता दें, इस मुद्दे पर बोलते हुए डीआईजी आर के पांडे ने कहा कि मुझे वीडियो के बारे में जानकारी मिली है और मैंने एसएसपी को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। डीआईजी ने कहा कि पुलिस को ये नहीं पता कि उन्हें कहां सुरक्षा मुहैया करवानी है, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें, बेटी साक्षी के दलित लड़के अजितेश से शादी करने पर विधायक राजेश मिश्रा ने चुप्पी तोड़ी है। विधायक ने कहा है, जो मीडिया में चल रहा है सब गलत है, बेटी बालिक है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है, मैंने तो किसी को धमकी ही नहीं दी है। इसके साथ ही भाजपा विधायक ने कहा कि हम अपने काम में व्यस्त हैं, अपनी विधानसभा में जनता का काम कर रहा हूं, भाजपा का सदस्यता अभियान चला रहा हूं, मेरी तरफ से किसी को कोई भी खतरा नहीं है। बता दें, विधायक ने प्रेस रिलीज कर इस बात का खुलासा किया है। साथ ही अब बरेली के भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने पिता से सुरक्षा की गुहार लगाई है। 4 जुलाई को मंदिर में अनुसूचित जाति के युवक से शादी करने वाली साक्षी की याचिका पर कोर्ट आज ही सुनवाई करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।